और इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी नई जर्नी को, यानी कि मैं सब कुछ आपको एडवांस लेवल पे बताने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें इट। और अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल को जाएंगे और नेक्स्ट लेवल में हम लोग काफ़ी अमेजिंग तरीके से ट्रेडिंग करना सीखेंगे, यानी कि हमारा लेवल बिल्कुल प्रो हो जाएगा। सो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस कोर्स को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप देखिए, करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप अचानक से रियल पे आ जाएं और ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो लॉस हो सकता है आपको। सो प्रैक्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग स्पेशली आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बाइनरी ट्रेडिंग का ये जो वीडियो है, ये फर्स्ट एडवांस कोर्स का फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। यानी कि अभी तक हम 70% और 80% की एक्यूरेसी को टच कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो अभी बिगनर लेवल का कम्प्लीट हुआ है, तो हम उसको 90% to 95% कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा, क्योंकि इसमें कोई भी काम करने से पहले हमको उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ हम क्यों करने जा रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करने जा रहे हैं, आपने ट्रेडिंग ही क्यों चुना, राइट? तो बहुत लोग डीमोटिवेटेड हैं ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि ट्रेडिंग को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा र्यूमर है गाइस। लेकिन मैं बताऊं कि ट्रेडिंग एक आपके लिए बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और इतना पोटेंशियल किसी दूसरे चीज़ में आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको ट्रेडिंग में पोटेंशियल मिलेगा। तो मैं एक वर्ल्ड का जो टॉप ट्रेडर है, दैट इज ही इज़ जॉर्ज सोरस, जो यूएस का है, वो बेसिकली यानी कि हंगरी का था, बट वो यूएस में सेटल होके अभी यूएस का सिटीजन है। और आपको पता है उसका नेट वर्थ रेवेन्यू जो है 8.6 US बिलियन डॉलर है, यानी कि ये 6.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ से 6.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा, उससे ज़्यादा होगा। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो कन्वर्ट करके, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। और उसने बहुत ज़्यादा उसने डोनेशन भी किया हुआ है अभी तक, जो सोशल चैरिटी वगैरह होते हैं, तो उसने काफ़ी अपना काफ़ी रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट वो डोनेट करता है या ऑलरेडी कर रखा है। सो यूएस के लोगों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ के लोगों से। यूएस में 40% to 50% लोग इन्वेस्टिंग की तरफ या ट्रेडिंग की तरफ इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो बहुत सारे लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, और कुछ लोग एक सप्लीमेंट्री वे में कर रहे हैं साथ साथ, यानी कि एक जो भी उनके पास पार्ट टाइम होता है, यानी कि स्पेयर जो टाइम होता है 1 घंटा 2 घंटा, उसमें देते हैं या वीकेंड पे देते हैं, जो भी है। तो यूएस के लोग इस तरह से अपना रेवेन्यू मैनेज करते हैं, यानी कि इस तरह से अपना रेवेन्यू प्लस कर पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में 3 to 5% पीपल ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की तरफ अभी इन्वॉल्व हैं। हालांकि पैनाडेमिक में लोग थोड़ा अवेयर हुए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने एडॉप्ट किया ट्रेडिंग को, या स्टॉक इंडियन स्टॉक को एडॉप्ट किया, इन्वेस्टिंग में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया।
लेकिन फिर भी काफ़ी कम है, 3-5% अगर किसी कंट्री का है। तो ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ऐसा है, जो जितने डेवलप्ड नेशन है वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग में करते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। और लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है वो लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए या लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए या र्यूमर्स इसके अगेंस्ट है मार्केट में। लोगों को लगता है कि ये एक गैम्बलिंग होता है, इसमें हमारा लॉस ही होना है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंटली बना रहे हैं प्रॉफिट। तो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं ट्रेडिंग से या फिर इन्वेस्टिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके। तो इंडिया में अभी लोग अवेयर हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन बहुत सारे र्यूमर हैं। जैसे कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरा क्या नॉलेज है, मेरा तो कॉमर्स का या इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, सो मैं कैसे कर सकता हूँ। उनको लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, लेकिन ये मैं बताऊँ काफ़ी ईजी होता है। इसका आप छोटा छोटा 1-2 महीने का वर्कशॉप करके या मेरे कोर्स देख के आप स्टार्ट कर सकते हो, तो काफ़ी इजी होता है। लेकिन र्यूमर जो है वो मार्केट में बहुत उल्टा फैला हुआ है। उसका रीज़न क्या है, तो लॉजिकली वो भी उसका रीज़न है। उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं इस फील्ड में और ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी नॉलेज का। यानी कि उनको लगता है बस पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है और फॉलो करना है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें सीख लेते हैं और उनको फाइनली लॉस होने लगता है। तो एक्सपीरियंस जो होता है उनका लॉस का ज़्यादा रहता है। और उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि वो जो बेसिक स्किल है उस पर नहीं जाते हैं, जो रियल नॉलेज है उसको नहीं देख पाते हैं। वो उनको बहुत जल्दी रहती है कि मुझे 1 वीक में 1 मंथ में रिच हो जाना है, तो ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग को भी आपको एक बिजनेस की तरह लेके चलना होगा। जिस तरह से हम बिजनेस में बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करते हैं एक एक चीज़ को, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी हमारे लिए डिसिप्लिन, नॉलेज के साथ साथ डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें से आपको अवेयर होना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अच्छे से करना है, एक गुड ट्रेडर बनना है और अच्छा खासा रेवेन्यू आपको जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि बेसिक्स जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। और इन सब के साथ जब आप एक डिसिप्लिन वे में चलते हो, यानी कि बिल्कुल आपको जब भी ट्रेडिंग करने जाना है तो आपको किस कौन सी स्ट्रेटजी आपको आज अप्लाई करनी है, तो उसको जब वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट का मूवमेंट रहेगा तभी मैं वो स्ट्रेटजी अप्लाई करूँगा, अगर उस तरह का मूवमेंट नहीं रहेगा तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। तो बहुत लोग यहाँ अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं, वो काफ़ी देर तक वेट करते हैं और उनके पास कम स्ट्रेटजी रहती है, तो उस स्ट्रेटजी का को मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करे उसका वेट करते हैं, नहीं होता है तो वो फिर जल्दी जल्दी में कुछ भी करके मार्केट से प्रॉफिट बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो एक रॉन्ग स्टेप हो जाता है, तो उनको फाइनली उसमें लॉस हो जाता है। सो लिटरेसी, लिटरेट होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा। स्किल डेवलप करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इमोशन कंट्रोल, पेशेंस, ये सब चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आप डिसिप्लिन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा, आप एक ट्रेडर बन जाते हैं फाइनली। तो ये ट्रेडिंग में जो र्यूमर है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने स्किल बढ़ाने पे ध्यान देना है। और यूजुअली लोग सुनते हैं कि मेरे फ्रेंड की का लॉस हो गया, मेरे कलीग का लॉस हो गया, तो उनका लॉस इसी रीज़न से होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, इसलिए उनका लॉस होता है, राइट। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे रीज़न आपको बताया। और या फिर कुछ लोग पास टाइम नहीं होता है तो वो गलत मेंटर के साथ या गलत जो गाइड करने वाला है उसके साथ जुड़ जाते हैं और अपना मनी दे देते हैं,
इन्वेस्ट उससे करवा देते हैं और वो आपका लॉस कर देता है। तो इसको भी चूज़ आपको करने आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सही जगह क्या है, राइट। और जिनको बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी मुझे रिच होना है, तो उनका डेफिनेटली लॉस होता है। और जो इमोशन कंट्रोल जिसका वीक होता है वो भी लॉस करता है। जो अच्छे से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तो वो ट्रेडिंग में लॉस करता है। और जिसके अंदर डिसिप्लिन का कमी होता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, वो क्या करता है, ट्रेडिंग में लॉस करता है। तो ट्रेडिंग पूरा एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट करिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, जो भी डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। और जिसके अंदर एबिलिटी होता है कि वो क्विक डायरेक्शन डिसीजन ले सकता है क्विकली, अगर मार्केट में जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्विकली, अगर एक मिनट का सपोज हमको ट्रेड लेना है तो उसमें हमको जल्दी से डिसाइड करना होता है कि हाँ, SNR लेवल देख लिया, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपने देख लिया, मार्केट देख लिया, उसके बाद आपको आपके दिमाग में ये पीछे से आवाज़ अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि यस, हाँ यहाँ पे एक एंट्री है। तो अगर आपका जो सेंस है इस तरह से वर्क करता है, यानी कि क्विक डिसीजन ले पाता है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। सो ये सारे मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, और मैं ट्रस्ट मी, ये काफ़ी इजी होता है, और मैंने बताया क्या मुश्किल होता है, इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन मैनेज करना या मनी मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। स्किल सीखना, यानी कि कैसे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या है, SNR लेवल क्या है, ये सब काफ़ी इजी होता है, इसको आप सीख जाओगे। लेकिन आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना, मनी मैनेजमेंट करना, इसमें प्रॉब्लम आएगा। एक डिसिप्लिन, यानी कि अपने ट्रेड को प्लानिंग करके स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करना, क्विक डिसीजन लेना, ये सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो ये भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। आप देखोगे कि बहुत लोग र्यूमर फैला रहे हैं मार्केट में कि लॉस होता है, लेकिन ट्रेडिंग का जो सिक्का है उसके दूसरे पार्ट का सच्चाई आप देखोगे तो उसमें काफ़ी लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं। किस वजह से? उनके पास नॉलेज है, वो डिसिप्लिन्ड है, उनका इमोशन कंट्रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अगर सोच लेते हैं कि अभी मार्केट बैड है, मुझे कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि उनके अंदर पेशेंस है, तो वो आगे जाते हैं, ऐसे लोग आगे जाते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 5 ईयर्स के पहले की बात है, मैं एक MNC में वर्क करता था गाइस, और मेरा जो सैलरी था एक महीने का, यानी 1 मंथ का जो सैलरी था, वो आज की ट्रेडिंग का एक दिन का प्रॉफिट के इक्वल है। तो आप सोच सकते हो कितना पोटेंशियल है ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि मेरी सैलरी जो 1 मंथ में मैं अर्न करता था थ्रू द सैलरी, वो एक दिन में वो प्रॉफिट में निकाल लेता हूँ थ्रू द ट्रेडिंग। तो पोटेंशियल आप देखो, और जितने रिच पीपल हैं उनका एक बहुत ही अच्छा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होता है ट्रेडिंग। और बहुत सारे जो रिच पीपल हैं, अगर आप उनका बायोग्राफी स्टडी करोगे, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी उनका स्टडी करोगे, तो आपको यही मिलेगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने ट्रेडिंग पे इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने रियल इस्टेट में भी मनी होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये सब जो सोर्स होते हैं मनी मेकिंग के, ये बहुत ही ह्यूज एंड बड़े सोर्स होते हैं। तो यहाँ से रिचनेस की तरफ आप मूव कर सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इतना पैसा है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना पैसा है। तो स्कैम मूवी का जो एक डायलॉग है, आप उसको देखना, जो हर्षद मेहता पे बना हुआ है स्कैम मूवी, तो उसमें डायलॉग देखना वो क्या बोलता है। तो ये वीडियो, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देखो,
सो गाइज, फाइनली आपने देखा कि ट्रेडिंग में कितना पोटेंशियल है, और आपको बिल्कुल अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रेडिंग में आपको आपको क्यों आना है, या आप नहीं भी आ सकते हो। अगर आप मेरी बातों से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नहीं भी आ सकते हो, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल है उसको आप लोग समझो। पोटेंशियल तो है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप इसकी तरफ आ सकते हो डेफिनेटली, लेकिन वही मैंने बताया कंडीशन क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग को, तभी आप इसमें अर्निंग कर पाओगे, नहीं तो फिर वैसे रिस्क भी हो जाता है। और ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम होता है। अगर शॉर्ट टाइम में आपको अच्छा मनी मेक करना है तो आप इसमें बिल्कुल विथ स्किल शुरू कर सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर मनी मेक करना है, यानी कि आपके पास टाइम है, यानी कि 10 साल 20 साल में अर्निंग करना चाहते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो। लेकिन क्विक अर्निंग के लिए, यानी कि क्विक अर्निंग के लिए ट्रेडिंग की तरफ आप आ सकते हो। और सो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट था कोर्स का, और इसमें मैंने मोटिवेट किया और इंट्रोड्यूस कराया कि मैं क्या दिखाऊँ। सो मैं इस जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कोर्स के ऊपर फुली होगा, तो उसमें मैं बाइनरी ट्रेडिंग को, जिसमें मैं कोटेक्स ब्रोकर को यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको और भी एडवांस में बताऊँगा। यानी कि मैं बिगनर लेवल पे मैं फिनिश कर चुका हूँ ऑलरेडी, और स्ट्रेटजी भी मैंने बता रखी है, लेकिन एडवांस लेवल में मैं आपको कुछ बहुत ही डीप में बताऊँगा सारी चीज़ों को। सो आप मिस मत करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो सबसे पहले मैं उसमें आपको बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक क्या होता है, कि जो मार्केट में कैंडल्स बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैंडल्स में जो विक होता है उसका क्या रोल होता है, वो कैंडल को कैसे अफेक्ट करता है, और जो भी कैंडल्स होते हैं अलग अलग टाइप के तो वो कैसे मार्केट में उसका मूवमेंट क्या रहता है। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, तो उसमें जो भी मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाइब्रिड मार्केट, तो सारे मार्केट्स टाइप को मैं बताऊंगा, और वो मार्केट कैसे हमारे यानी कि जो ट्रेडिंग करने की पॉसिबिलिटी है या प्रॉफिट टेक करने की पॉसिबिलिटी है, तो एक अच्छा मार्केट कैसे इंक्रीज़ करता है, तो उसको मैं बहुत डीपली बताऊँगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। देन मैं सपोर्ट एंड रेजिडेंस की तरफ जाऊंगा और बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे एक SNR लेवल ड्रॉ करना चाहिए, और इस स्ट्रॉन्गेस्ट SNR लेवल कैसे ड्रॉ करना चाहिए, और मैं प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा, और कैसे ट्रेड करेंगे विथ SNR लेवल, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। नेक्स्ट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो कैंडल्स की साइकोलॉजी के साथ हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे अलग अलग कैंडलस्टिक के साथ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर मैं ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा और फेक ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा, रिवर्सल ट्रेड एंड ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में कंपैरिजन करके बताऊंगा, और OTC मार्केट में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं तो ये भी मैं एडवांस लेवल पे बताऊंगा। अगेन मैं मनी मैनेजमेंट को डीप में बताऊंगा और नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगा, इमोशन कंट्रोल को बताऊंगा एंड नेक्स्ट लेवल तक शिफ्ट करूंगा। देन मैं अपनी जितनी मेरे पास स्ट्रेटजी है वो 50+ से ज़्यादा है, तो उसको सारी स्ट्रेटजी को मैं रिवील करूँगा एक एक करके, और फिर हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, और फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर का एक वो कराऊँगा, फिर सेशन कराऊँगा। सो पूरा मैं कोर्स एडवांस लेवल पे फिनिश करूँगा, और ये बिल्कुल प्रीमियम कोर्स है, बट मैं इसको फ्री में दूँगा आपको। सो मुझे बस आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कोटेक्स में अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप करिए, उसमें 1 रुपये आपको खर्च नहीं करना है, डेमो से स्टार्ट करिए, और मेरे कोर्स के साथ आप प्रैक्टिकल करिएगा तो मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा। तो बस मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और ट्रेडिंग के से रिलेटेड जो लिटरेसी है उसको स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो या फिर जो लोग
सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 18 प्लस के लिए मैं अलाउ करूंगा, और जो 18 से जो नीचे हैं उनके लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो ओनली फॉर 18 प्लस। सो ये सारी मेरी कंडीशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोर्स की तरफ जाएंगे और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर।